टेंट से बाहर निकलती जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में स्वाद आ गया, सीरियसली। सो गाइस, हम लोग जस्ट टेंट से बाहर निकल के नेचर को इन्जॉय कर रहे हैं। और ये कहानी जो है ये गुड़गांव से शुरू हुई थी, और अगर इस कहानी का पहला पार्ट आपको देखना है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। और इसी के साथ मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु व्लॉग्स में। ये पूरा कैंपसाइट एरिया है, और प्लस मैंने अपनी बाइक जो है वो यहाँ खड़ी करी है। सो गाइस, दिस इज़ माय टेंट, थोड़ा सा मैस अप करके रखा हुआ है, अभी प्रिपरेशन हो गई है जाने की, ब्रेकफास्ट करना है बाहर जाके। और ये सिंगल टेंट है तो एक बंदे की जगह होती है इसमें, तो अभी मैंने पैकिंग वैकिंग करनी है। सो गाइस, जनरली होता क्या है कि कैंप साइट से ये लोग ट्रैक करके जाते हैं प्राशर लेक तक, जो कि थोड़ा सा एक लंबा डिस्टेंस है। देखते हैं कि हम लोग ट्रैक करते हैं या फिर, बिकॉज मुझे बाइक भी चलानी है बहुत लंबी। और हमारे ग्रुप में एक बंदी श्रेया जुम्बा ट्रेनर निकली और उसने जम के अपने स्टेप्स में सबको नचाया। और जुम्बा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया। और अभी हम लोग यहाँ से ट्रैक नहीं कर रहे हैं, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास बाइक है, और वापस आके बाइक ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और सबने अपना सामान पैक कर लिया, मैं भी गियर अप हो गया हूँ, जस्ट निकलने वाले हैं और उसके बाद सीधे जाएंगे यहाँ से पराशर लेक। हाय, सो ही इज़ मनु, और ये लोग ग्रुप्स ट्रैवल वगैरह करवाते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डाल दूंगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रुप कैंपिंग वगैरह करवाते हैं ये लोग, और प्लस एक्टिविटीज भी कराते हैं ना साथ में। yes, ग्रुप एक्टिविटीज, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग एंड ऑल। नाइस, और लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम हियर। और व्यू काफ़ी यार, ये लेंस अच्छा नहीं है इसलिए आप लोगों को दिख नहीं पा रहा होगा, अदरवाइज बहुत अमेजिंग व्यू है सीरियसली। मैंने अपनी बाइक लगा ली है यहाँ पे कोने में और फोटोग्राफी चालू कर दी एकदम फुल। और फोटोज़ वगैरह देखने के लिए इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर लेना, आईडी मैं दे दूंगा, ब्लिंक हो रही होगी यहाँ पे। और वहाँ पे सामने एक विलेज भी दिख रहा है छोटा सा, ये नाइस यार। सो यही है पहाड़ों की ब्यूटी, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। तो अगर आप आते हो तो रोड की कंडीशंस मैंने आपको पहले दिखाई दी है, तो अब आते हो तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो गाइज, हम लोगों ने बाइक और कार वगैरह जो भी गाड़ियाँ लेकर आए हैं नीचे पार्क कर दी है, नीचे पार्किंग है। यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर जाना होता है। भैया कितना ट्रैक है सर? 100 मीटर। 100 मीटर का ट्रैक है, चढ़ाई सीधी है, मज़े लेते हुए चलते हैं आगे की ओर। तरफ जा रहे हैं लेक की तरफ, और यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड बने हैं ओमकार भाई, जो मुंबई से हैं। सो ओमकार, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पराशर लेक में? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने पुराने मंदिर में आने के बाद। 700 साल पुराना मंदिर है ये। अरे वाह, पराशर ऋषि की तपस्थली है। पूरी रिसर्च करके आए हो लग रहा है। यस यस डेफिनेटली। और ये मंदिर जो है पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है, जहाँ से पैगोडा स्टाइल के मंदिर की खासियत ऐसी होती है कि बर्फ रुकती नहीं है ऊपर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ जनरली पहाड़ों में भी इसी तरीके के घर देखने को मिलते हैं। और इस मंदिर की खासियत एक ऐसी है कि ये एक ही पेड़ की लकड़ी से बनाया हुआ है। ओह वाह, तो अभी ये इस साइड पे है, मे बी विंटर सीजन की वजह से। जून में वो उस साइड था। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उसने। वो बोलते जो आइलैंड है वो क्लाइमेट वाइज रोटेट होता है पूरी लेक पे। अभी यहाँ पे तो वो समर्स में उधर चले जाएगा। ये बीच वाला जो पानी वहां से कम हो जाता होगा, यहाँ पे एक्सट्रा जाता होगा। वाह, शक्ल दिखाओ अपनी। नहीं, ऐसे घूमता रहता है यार, ये मैंने सुना था बहुत पहले। हेलो, तो यहाँ पर क्या परंपरा है, कभी कोई पूजा वगैरह वो भी होता है? पूजा तो 12 महीने होती है। 12 महीने होती है। कोई मतलब मेला वगैरह ऐसा कुछ स्पेशल? जून में होता है। कब होता है? जून में मेला होता है। सो गाइस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक हिमाचल का अलग आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जो ये
छत बनाई गई है, ये इसलिए ऐसी बनाई गई बिकॉज यहाँ पे बर्फ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह की जो छत होती है उस पर स्नो टिकती नहीं है और सीधे सडनली नीचे स्लिप हो जाती है। और बाकी आप आर्किटेक्चर देखो, यहाँ से अमेजिंग आर्किटेक्चर है, एक अलग यहाँ की संस्कृति जो होती है। माना जाता है कि यहाँ पे जो पराशर ऋषि थे उन्होंने यहाँ पे अपना तप किया था और यहाँ पे ये लोग पूजा वगैरह करते हैं और जून के टाइम में यहाँ पे फेस्टिवल भी होता है। अगर आप आना चाहते हो तो जून इज़ द बेस्ट टाइम टू कम हियर। सो गाइस, हमने वहाँ से नीचे लेक से ट्रैक करके यहाँ ऊपर टॉप तक आ चुके हैं और बेसिकली मेरे साथ साक्षी भी आई हुई है, बहुत ही डेयरिंग लड़की है। बहुत जल्दी चढ़ गई थी, ट्रैक कंप्लीट कर लिया था। रेंजेस कितनी प्यारी लग रही है वहाँ से, देखिए बहुत सही लग रही है, वो फ्लोटिंग आने लग रहा है वो वाला ना। सो गाइस, हम लोग लेक से निकल गए हैं। अभी प्लान ये है कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आज का दिन मेरे पास बचा हुआ है और प्लस आज की रात भी बची हुई है, तो सोच रहा हूँ कि कुछ एक और प्लान कर लूँ आसपास का ही। तो बिरबिलिंग एक जगह है यहाँ से नज़दीक में, तो अभी सोच रहा हूँ कि वहाँ जाने की। अरे हट जा बकरी, हट जा बकरी। So guys, we are heading to बग्गी और मेरे साथ राइड कर रहे हैं साथ में मेरे ओम भाई जोशी, जो कि मुंबई से आए हुए हैं, मुंबई के रॉक स्टार हैं। और इनको हिल व्यू देखना था, तो इन्होंने बोला कि बाइक पर चलना है, मैंने बोला क्यों नहीं क्यों नहीं। तो सीन्स ऐसे हैं, नज़ारे आप देख ही लो। क्या बोलते हैं, खाकरा। वहाँ से लेके आओ, यहीं से लिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच यार। ओके बॉस, नाइस टू मीट, मिलते हैं कभी ब्रेक के बाद। ओके गाइस, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट। सो गाइस, सबको बोल दिया अलविदा और मैं निकल गया हूँ अपनी राह पे। और अभी मैं जा रहा हूँ बिरबिलिंग, वहाँ पे प्लान है कि थोड़ा पैराग्लाइडिंग करनी है अगर मौका मिला तो। और आज का दिन है मेरे पास, आज की रात भी है, तो आई थॉट So guys, मैं पराशर लेक से पहुंच गया हूं बिरबिलिंग। तो अगर आप लोग पराशर लेक आ रहे हो तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप आके बिरबिलिंग आके यहां पे पैराग्लाइडिंग वगैरह कर सकते हैं। इस जगह का नाम है चोगाल और जहां से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है उसका नाम है बिलिंग। और बीर एक बीच में गांव पड़ता है तो इसलिए इसको बिरबिलिंग बोलते हैं, जहाँ से पैराग्लाइडिंग वगैरह जहाँ से स्टार्ट होती है। अभी हम लोग निकल गए हैं, भाई साहब बड़ी खतरनाक गाड़ी चला रहे हैं, आप देख रहे होगे इतना कैमरा हिल रहा है। और यहाँ से जो है क्राफ्ट स्टार्ट होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे क्राफ्ट अभी चल रहे हैं, अभी शाम का टाइम है तो व्यू इतना अच्छा। सो गाइस, प्रिपरेशन हो गई है, हेलमेट डाल लिया है, गियर अप हो गए हैं, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी नर्वसनेस भी हो रही है। देखते हैं कितना मज़ा आता है। ये देखो तो इसके बाद मेरा नंबर है। सो गाइस, आई एम योर कैप्टन स्पीकिंग और फ्लाइट रेडी हो रही है फ्लाई करने के लिए। चलो अब वन टू थ्री, भागो 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 भागो। कैसा लग रहा है भाई? हवा बहुत तेज चल रही है और शायद आप लोगों को आवाज भी नहीं सुनाई दे रही होगी मेरी। वाओ, सीरियसली अमेजिंग एक्सपीरियंस है। कैप्टन साहब से कह रहा था मैं यार गुड़गांव ही छोड़ दो यहाँ से सीधे।
मतलब अगर आप लोग पराशर लेक आ रहे हो और आपके पास एक दिन का टाइम है तो सीधे रिपेलिंग आ जाओ, ये करना तो बनता है भाई। तो दोस्तों कैसा लगा व्यू कमेंट करके बताइएगा प्लीज। वाह मजा आ गया, मतलब सो गाइस ये है दुनिया की सबसे नंबर वन पैराग्लाइडिंग रिपेलिंग की। पा 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 ओ लगाम 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 पा पा पा। हेलो भाई साइड हो जा पापा। ओ क्या परफेक्ट लैंडिंग हुई है भाई। ओ सो गाइस पैराग्लाइडिंग तो हो गई कंप्लीट, अभी मैं जा रहा हूँ सीधे होटल पे अपने, और बाकी कहानी बाकी के सीन आगे डिस्कस करते हैं होटल में जाके। मैं चलो सर भी घूम रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, होम स्टे है बेसिकली। सो गाइस पैराग्लाइडिंग के बाद मैं खाना खा के सीधे आ गया हूँ अपने होम स्टे पे। सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था मैंने सुबह कैंप साइट पे, उसके बाद नॉन स्टॉप राइड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाऊँ रिपेलिंग और ताकि पैराग्लाइडिंग कर लूँ, बिकॉज सनसेट के बाद पैराग्लाइडिंग नहीं होती है। इसलिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और एक ग्रुप से मैं मिला था और काफ़ी सारे मैंने नए फ्रेंड्स बनाए और उनमें से एक हमारे ओम भाई, हमारे जिग्नेश भाई मुंबई से, उन्होंने मुझे फाफड़े गिफ्ट किए थे, मुंबई स्पेशल फाफड़े जो कि बड़े काम आए रस्ते में। भूख लगी थी तो मैंने जब ब्रेक लिया था पानी के लिए तो फाफड़े खाए थे, काफ़ी अच्छा लगा, थैंक्स टू ओम भाई। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो कभी भी तो आप होम स्टे ले सकते हो जो कि काफ़ी सस्ता है, 500 से 1000 तक का मिल जाता है। मेरा भी इसी रेंज में है, बहुत सस्ता था, 500 से 1000 तक के बीच में मिल जाता है और इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है। और कोशिश करें आपका जो होम स्टे है वो आपके जो पैराग्लाइडिंग वाली एरिया है उससे नज़दीक रहे ताकि आपको आने जाने में इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। तो यह है फिर बाकी कल का प्लान, यह है कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उठ जाऊँ बिकॉज जितनी जल्दी यहाँ से निकलूंगा उतनी जल्दी मैं गुड़गांव पहुंचूंगा, बिकॉज आई नो कि कल ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है मुझे। कोशिश करूंगा सुबह 4-5 बजे तो नहीं उठ पाऊंगा, कोशिश करूंगा 7 से 7:30 के बीच में मैं निकल जाऊँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो इस ट्रिप से रिलेटेड या फिर इन जगहों से रिलेटेड जहाँ जहाँ मैं गया था या कैसे जाना, कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी तो सब आपको पता ही है। तो जियो और जीने दो, सी यू सून।